राहुल गांधी ने क्या किया इससे पहले आप बताइए। राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। हमारे बगल पिपरी गांव है, 2008 में सड़क मतलब नदी में बाढ़ आई, कम से कम दर्जनों बीघे जो है खेत कट गए, सड़क कट गई, आवागमन बंद हो गया दर्जनों गांवों का। वो बोर्ड लगा है, आप देखिए पूर्व मंत्री सुरेश पासी का बोर्ड लगा है और भाई साहब बता रहे हैं कि ईरानी जी का बनाया हुआ है, जो प्रत्यक्ष उसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल नाराज है, नाराज है, बहुत नाराज है, ज्यादा नाराज, बिल्कुल नाराज है। 10 बार गौरीगंज आती है और अभी जब इलेक्शन नजदीक आ गया तो एक बार आ गई है। नमस्कार, आप सभी का यूपीडीबी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं आपका सतीश सिमोस्ती। लखनऊ से चलकर मैं अमेठी के लोकसभा क्षेत्र हरलियापुर में पहुंचा हूं। दरअसल आपको बता दूं कि अमेठी इस समय चर्चा में है स्मृति ईरानी और राहुल गांधी को लेकर। माहौल यहां का गर्म है तो सबसे हॉट सीट भी मानी जाती है इस समय लोकसभा क्षेत्र की अमेठी। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप अमेठी में अभी तक स्मृति ईरानी के कार्यकाल को लेकर? स्मृति ईरानी कार्यकाल हम लोगों के लिए तो सुखद नहीं था। यहाँ पर पहली चीज तो गौवंश जो है, हमारे यहाँ 3 किलोमीटर के एरिया में 2 गौशालाएं हैं और तभी हमारे यहाँ सैकड़ों जानवर खेतों में चर रहे हैं, घूम रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ ये है, नीम कोटेड यूरिया चल रही है लेकिन यहाँ गायब है, डाई यहाँ मिल नहीं रही है, सारी जो है पेयजल की समस्या यहाँ जो है रिबोर नहीं हो रहा है, 4-5 नल उखड़वा लिए गए, उसकी कोई समस्या का निदान नहीं हो रहा है, है? तो बहुत समस्याएं हैं। केंद्रीय मंत्री का क्षेत्र है ये, केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, जब हम लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी तो चाहे जो हो उससे कोई मतलब थोड़े रहे। आप नाराज दिख रहे हैं। बिल्कुल नाराज हैं, नाराज हैं, बहुत नाराज हैं, ज्यादा नाराज हैं, बिल्कुल नाराज हैं। 10 बार गौरीगंज आती हैं और अभी जब इलेक्शन नजदीक आ गया तो एक बार आ गई हैं। अच्छा, अपनी व्यवस्था बना। आप बताइए, आपसे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे भाई। स्मृति ईरानी का कार्यकाल इनको अच्छा नहीं लगा, बता रहे थे बहुत सी समस्याएं हैं भाई, उनकी व्यक्तिगत मसले हैं तो बात अलग। आपकी नजर में क्या लगता है, क्या विकास किया स्मृति ईरानी ने? स्मृति जी ने यहाँ का बहुत चहुमुखी विकास किया। नाम बता दीजिए विकास के नाम। जिस रोड पे आप खड़े हैं, हाँ, आप बोर्ड देख लीजिए। अच्छा है, हाँ, 2 करोड़ कितने लाख का यही रोड बना, यही जहाँ आप खड़े हैं, हाँ, इसी तरह आप जहाँ भी खड़े हों, हाँ, ये तो बता रहे बम्बा रिपोर तमाम बता रहे कुछ हुआ। ये NH वालों का मसला है, हाँ, उन्होंने उखाड़ लिया है, बोरिंग कर रहे थे, हाँ, सफल नहीं हुई है, हाँ, लोग कहना चाहिए 3 साल हो गए हैं, हाँ, 3 साल उसको उखाड़ रोड तो बन गई भैया 2 करोड़ की रोड कांग्रेस की बनाई है, उस पे लेपन कार्य हुआ है, देख लीजिए। आप बताइए, आप तो बता रहे स्मृति ईरानी जी ने बनाया है। अरे भैया, हाँ, ये रोड जो थी, हाँ, ये सिंगल रोड थी, हाँ, ये प्रधानमंत्री योजना के तहत, हाँ, ये चौड़ीकरण होते हुए 4.5 मीटर की रोड जो है 2 करोड़ कुछ पास हुई। किसने बनवाया, राहुल गांधी ने, स्मृति ईरानी ने? स्मृति जी, स्मृति ईरानी बना। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई दादा? देखिए, ये झूठ बोल रहे हैं। वो बोर्ड लगा है, आप देखिए, पूर्व मंत्री सुरेश पासी का बोर्ड लगा है, हाँ, और भाई साहब बता रहे हैं कि ईरानी जी का बनाया हुआ है, जो प्रत्यक्ष उसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता है, आप जाके बोर्ड का फोटो ले लीजिए, वो लगा सामने। किसने बनवाया आपके साथ? ये सुरेश पासी की क्षेत्र है, हाँ, और उन्होंने बनवाया है, क्यों उनसे पूछिए, जानकारी है कि नहीं? हाँ बताइए, हाँ, हमारे कहने का वरिष्ठ नेता है दादा, आप आइए, आइए आप भाई, जिला मंत्री है भैया। अच्छा, चलिए चलिए, बताइए दादा, बताइए आप, ये बता रहे सुरेश जी, ये सुरेश जी की नीति की सड़क, अब आइए आप, ये शासन की, दो मिनट आइए आप, सुनिए 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 सुनिए, आप उस बोर्ड में पढ़ भी लीजिए, ये पढ़ा रहे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, हो सकता है ये हमारे बाबा भी लगते हैं, हम के नाती भी हैं, ऐसी बात नहीं है, हैं भले उम्र में थोड़ा बड़े हैं, लेकिन ये सुरेश जी की नीति का पैसा नहीं है, ये सरकार की योजनाओं का पैसा है और जो केंद्र भेजता है। बताइए भैया, जो बोर्ड लगा है हम तो उतना जानते हैं, वो बड़े नेता हैं, वो जो कहें उसको मानिए उनकी, हाँ, हम लोग तो आम नागरिक हैं, बोर्ड देख रहे हैं। सांसद अपने प्रतिनिधि को, अपने विधायकों को भी शिलान्यास के लिए भेज सकता है, उनकी नीति का पैसा कह रहे हैं कि रोड कांग्रेस के शासनकाल में बनी, इसका जो है जीर्णोद्धार ये अभी हुआ है, अभी हुआ है, वो 3 मीटर की सड़क होती है, 4.5 मीटर की सड़क पूरा जो है वो लेना चाहते हैं अपने ऊपर। आप बताइए, आप वो 3 मीटर की सड़क थी, 4.5 मीटर की सड़क है, ये सड़क पहले 2 किलोमीटर थी, हाँ, आज ये सड़क 5 किलोमीटर हो गई, और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 2.69 करोड़ की ये नई सड़क बनी है 5 किलोमीटर की, माननीय सांसद जी की। इस सड़क का नाम बता दीजिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत केंद्र सरकार की योजना है, 2.69 करोड़ की लागत से ये तो बता दीजिए, हलियापुर से सिकरी तक, हलियापुर से सिकरी तक की। बताइए क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना में जब ये सड़क का चयन हुआ तो समय किसकी सरकार थी, किसने मटियारी तक बनवाया, भाई साहब बता दें। बताइए,
भाई साहब ये सड़क भाई साहब ये सड़क मटियारी तक नहीं बनी थी, मटियारी की सड़क जरई कला से माननीय अटल जी प्रधानमंत्री समय जरई कला से मटियारी तक सड़क बनी थी प्रधानमंत्री योजना के तहत। ये सड़क बहुत पहले बनी थी अटल जी के समय में। अब ये सड़क हलियापुर से सिकरी तक 5 किलोमीटर नई योजना के तहत प्रधानमंत्री सड़क योजना में लेकर माननीय सांसद जी के प्रस्ताव पर 2,69,00,000 की सड़क बनी, जिसका शिलान्यास माननीय विधायक जी ने किया है। अच्छा राहुल गांधी ने क्या किया इससे पहले आप बताइए? राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। हमारे बगल पिपरी गांव है, 2008 में सड़क मतलब नदी में बाढ़ आई, कम से कम दर्जनों बीघे जो है खेत कट गए, सड़क कट गई, आवागमन बंद हो गया दर्जनों गाँवों का। उसके बाद हम भी गए थे, सब लोग गए राहुल जी से कई बार, उन्होंने वादा किया बनवा देंगे। 10 साल सांसद थे, नहीं बनवाए। उसके बाद माननीय सांसद जी जब सांसद हुई, यहाँ से चुनाव लड़ी, पूरा बांध बनकर तैयार है, अब सड़क भी बन गई, खेत से कटान नहीं हो रहा है, लोग खुशहाल हैं। दादा आप बताइए, राहुल गांधी ने बताया कुछ किया ही नहीं अपने कार्यकाल में। अब उसको तो कांग्रेस ने भी नहीं किया। हाँ। वो तो कहेंगे कि सारा कुछ आज तक जो भी किया। हाँ। लोग ये भी कहते हैं सब कुछ भाजपा ने किया। हाँ। और तमाम सड़कें यहाँ की, और आज जिस सड़क की बात आप कर रहे हैं जी दादा, ये हलियापुर जरई कला मार्ग मटियारी, ये सड़क हलियापुर, एक सड़क ये, उसके बाद हलियापुर फतेहपुर मार्ग और हलियापुर से पिपरी मार्ग, ये सारी सड़कें कांग्रेस के पीरियड की बनी हुई है। और इसमें पत्थर डाल करके लेपन चाहे जो करवा दे, लेकिन सारी विकास और सारे काम कांग्रेस के किए हुए हैं। उनकी देन है, तौफीक प्रधान आज भी जिंदा है, उन्होंने अपने पत्थर उस पुल में भी जाम करवा दिया था। तो कह रहे पत्थर क्यों लगवा दी ने कांग्रेस पर? पत्थर तो बाद में, जो सारी सड़कें बन गई थी उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई थी। अच्छा, तब जयनारायण तिवारी ने अपने सभी पत्थरों को सब जगह लगा दिया। अब मान लें कि सड़कें उनकी बनाई हुई हैं, क्या कह सकते हैं? अब बताइए दादा, अब पत्थर लगाने काम तो केवल भाजपा कर रही बदलने का। हाँ। इनके पास जिला बदलने का, जिले का नाम बदलने का, गांव का मतलब पत्थर बदलने का काम इन्हीं के पास है। बाकी यहाँ पर राजकरण सिंह सांसद थे, पूर्व सांसद कांग्रेस के थे वो जी। और उस समय जयनारायण तिवारी मिनिस्टर हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, और सारे काम उन्हीं के पीरियड के करवाए हुए हैं। ये सारी जनता, इसको हर गाँव का आदमी जानता है, इसमें झूठ बोलने की कोई जरूरत। सही बोल रहे दादा, ये सही कहता है। क्या करा इस राय काम? राजकरण दादा यहाँ सांसद रहे। हाँ। उनके पीरियड में काम भर रहा है। स्मृति ईरानी तो यहाँ कुछ नहीं करें। कितनी बार यहाँ पर आई? अभी तो जल्दी आई रही हैं, एक दौड़ा उड़ा करे रही हैं न्याय पंचायत स्तर पर, करे बाद वह जीत गई, जब से तब से उबे नहीं करती है। दादा बताइए, क्या लगता है जिस तरह बता रहे हैं कि भाई विकास तो आपकी जो नेता उन्होंने किया ही नहीं यहाँ पर? नहीं देखिए, नज़रों का तो ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन नजरियों का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। अच्छा, जिसका मन ही है कि हम विरोध करेंगे, चाहे जितना अच्छा काम किया जाए, तो उनका विरोध ही मकसद ही है। सारे पदाधिकारी भाजपा के इकट्ठा है यहाँ पर, तो इनको डिबेट में कम से कम कांग्रेस के लोगों को सूचना देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किसी को बताया नहीं, डिबेट अपने आप कर लेना चाहते हैं। नहीं नहीं, कांग्रेस के आप तो है ना, कांग्रेस नहीं, मान लीजिए हम हैं। हाँ। हमको अभी जानकारी मिली कि हाँ कोई डिबेट। हाँ, है तो आप अब आ गए, तो तैयारी पहले तो अब आ गए। हाँ, तो हम लोग बदले की भावना से काम नहीं करते। अच्छा, पूरे अमेठी में जितने CSC केंद्र है सब पर वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन प्लांट लग गया है। पूरी अमेठी समय ऑक्सीजन की हब बन गई है। बेनीपुर अमेठी में 50 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल बनकर चल रहा है। स्वास्थ्य के कोरोना काल में हमारे कार्यकर्ता, हमारे जितने भी पदाधिकारी सब लोग पूरी सेवा किए। स्वास्थ्य के मामले में तो अमेठी बहुत आगे हो गई है। बहुत आगे दादा, बहुत आगे है। बताइए, वेंटिलेटर पर है गौवंश, जो पूरा खेत चर ले रहे हैं। देखिए ये बेचारे, इनको देखिए दादा, बताइए। हमारा जो है लगभग 14-15 बीघा लीज पर लिए हैं खेत। हाँ। और उसका जो है लीलगा और जानवर ये जो है आवारा पशु जो टहल रहे हैं। हाँ। सब उड़ा दिए हैं। अच्छा, इसमें तिरन ने काम अच्छा किया कि नहीं आपने? उनका तो काम नहीं अच्छा है, लेकिन जो है सुरेश पासी जो जो हमारी ग्राम सभा में 29 ग्राम सभा में सड़क और जो है इंटरलॉकिंग ये सब जो काम किए हैं वही किए हैं, और वो एक बार आई है बस। अच्छा, जब से चुनाव खत्म हुआ है तब से एक बार आई है बस।